नमस्कार, सुबह के करीब 11 बजने वाले हैं और आज का दिन जो है वो भाजपा के फेवर में जाता दिख रहा है। अब जो है धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होती जा रही है, भाजपा एमपी और राजस्थान में एक बड़ी बढ़त की तरफ दिख रही है। आपको बता दें अभी जो ताजा अपडेट है वो भाजपा 157 सीटों पर आ गए एमपी के अंदर, वहीं कांग्रेस 72 सीटों पर आ गए। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 199 में से भाजपा 130 सीटों पर आगे चल रही है। ये दोपहर 11 बजे तक के रुझान है और इस रुझान के मुताबिक अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने एक बड़ी बढ़त बना ली है, चूंकि 157 सीटों पर लीड में है। अगर एमपी की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें तो 130 सीटों पर लीड है, वहीं 61 सीट पर जो है वो कांग्रेस लीड कर रही है। यानी कि सीधे कांग्रेस 61 पे है तो वहीं भाजपा 130 पे है, तो आप समझिए कितनी बड़ी लीड है। सीधे दोगुनी कहिए तो ज़्यादा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। एमपी में भी वही हाल है, तो कुल मिलाकर अब तस्वीर क्लियर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब जश्न मनाने लग गए हैं, मिठाइयाँ बंटने लग गई, आतिशबाजी हो रही है और अब भाजपा एमपी और राजस्थान में एक मजबूत लीड के साथ आगे बढ़ रही है। जो भाजपा के नेता हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वी डी शर्मा हो, इनके बीच जो है अब उत्साह दिखाई दे रहा है। अब वो निकलकर खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी जीत तय है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो कुल मिलाकर एमपी राजस्थान का जो पिक्चर है वो क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भाजपा कभी आगे तो कभी कांग्रेस आगे हो रही है, तो यहां पर कांटे की टक्कर है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस आगे है और इस बार जो है तेलंगाना की जो अभी तक की तस्वीर है 11 बजे तक की, वो आपको बता दें कि उसमें कांग्रेस जो है 65 सीटों पर आ गए, वहीं बीआरएस 46 सीटों पर आ गए। तो यहां पर तेलंगाना में कांग्रेस जो है सरकार बनाती दिख रही है। अब हम ये मान के चलें जो इस समय जो रुझान दिख रहे हैं खासकर एमपी और राजस्थान में, यही आंकड़े जो है यही इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अब लगभग ये तय है कि एमपी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाती हुई दिख रही है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान का जादू चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने खूब सारी रैलियां की थी, लाडली बहना योजना जिसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, इस बार महिलाओं के वोट परसेंटेज भी बढ़े थे। तो अब ये कह सकते हैं कि इस बार एमपी में एक बार फिर से लोगों ने शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया। हालांकि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया है, लेकिन वहां पर बीजेपी जो है अब जीत रही है। अब देखना यह हुआ कि एमपी में भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाती है। राजस्थान में भी भाजपा को क्लियर बहुमत मिल रहा है, तो अब यहां भी यह देखना होगा कि वहां पर भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाती है। वहां पर बाबा बालकनाथ भी रेस में है, वसुंधरा राजे सिंधिया प्रबल दावेदार है। कहा अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि अगर भाजपा यहां पर जीतती है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर उनका धर्म कार्ड चला है। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि क्या यह तस्वीर यही रहने वाली है या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा? और एमपी और राजस्थान में खासकर भाजपा चुनाव जीत रही है तो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में कमेंट कर बताइए। और आप तेज चुनावी नतीजों के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।